एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बस फॉर 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब आज मैं मतलब कल मैं अपने घर आई थी, रंगिया बैक हो गई मैं फ्रॉम गुवाहाटी। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ। मैं कल ही आई थी पर मैं ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, बना नहीं पाई, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से स्टमक पेन हो रहा था मुझे, अभी ठीक हूँ। तो वो एसिडिटी की वजह से हो गया था, बट अभी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इन दो बहनों के साथ मिलके, ये देखिए यहाँ पे दो लोग हैं। हाय मैया। हाय। तो इनके साथ मिलके आज हम लोग आसाम का एक स्पेशल डिश तो नहीं कहूँगी, एक स्पेशल चीज़ है जो हम आज बनाएंगे, खाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने बैर का नाम तो सुना ही होगा, हम लोग उसे बोगोड़ी कहते हैं, और हम लोग अभी वो तोड़ने के लिए आए हैं। वो देखिए वहाँ पे इसका पेड़ है। यहाँ पाया ना पाए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, यहाँ से दिखेगा नहीं। फ्रेंड्स, ये देखिए ये पेड़ है जहाँ से हम बैर को तोड़ेंगे, यानी कि बोगोड़ी तोड़ेंगे। हम लोग तो बोगोड़ी बोलते हैं, आपको दिखाऊंगी मैं तोड़ने के बाद कि उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये पेड़ है, ये वाला सकुदी मुंबई वाला ना। ये देखिए बैट सब रह गया, ये देखिए अभी और बहुत सारे तोड़ने हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये इतने सारे बैर मैंने लगभग कितना होगा पता नहीं, होना चाहिए आधा किलो जैसा ना होना चाहिए। इतने बैर मैंने तोड़ लिया है, अब इसका हम लोग कुछ तो बनाएंगे। क्या इसको असली में क्या बोलते हैं, खींचा बोलते हैं क्या चिट? तो अभी हम लोग इसे वॉश करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या क्या इसमें क्या क्या सामग्री देंगे। इसमें देंगे हम लोग धनिया और कुछ मिर्ची, ठीक है, और इसमें नमक पड़ेगा। तो आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए, ठीक है। हमें कर लिया है, धनिया मिर्ची और बैर सब वॉश कर लिया, अब बनाने चलते हैं। तो ऐसे हम इसे कुछ लेंगे मैंने और फ्रेंड्स यहाँ देखिए धनिया के जो पत्ता है उसे अच्छे से इसे खोटा जा रहा है, इसको बाज के निकाला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोगों ने बैर को अच्छे से कूट लिया है,
ये देखिए, और ये धनिया है, और आप कुछ मिर्ची, जितना आपको मिर्ची चाहिए, ये देखिए जितना मिर्ची चाहिए उस हिसाब से मिर्ची ले लीजिए, और इसे आप इसे कूट लीजिए, जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से। देखिए इसे अच्छे से मैंने कूट लिया। सो फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोगों ने कूट लिया है, अब हम इसे इसमें मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद नमक, नमक जो है आप स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर लीजिए। हाँ हाँ नहीं खुलना। सो फ्रेंड्स, इन सबको अब, ये देखिए धनिया है, इन सबको हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कैसा लग रहा है बताइए, देखने में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हो गया ये खाने का समय। चलिए अब धूप में चलते खाने के लिए, ये देखिए फिलते। तो फ्रेंड्स, अभी हम धूप में जा रहे हैं, और हम लोग किस पे खाएंगे, किस पे खाएंगे, इस पत्ते पे। और ये पत्ते किस चीज का पत्ता है, कदम, कदम के पत्ते हैं, अंदर नमक है, इसमें नमक लिया है, किसी को अगर नमक खाना पसंद हो ज्यादा इसीलिए। हो तो चलिए वहाँ धूप में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी हमारी सिस्टर। सिस्टर का नाम क्या है, नाम तो बोलिए सुन। দীপিকা बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी खा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसमें से कोई अपना मुंह दिखाना नहीं चाहता है, कौन है ये देखिए। ओ मैं दिखाऊंगा, खाइए आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये देखिए धूप में बैठ के, धूप में बैठ के खाने का ऐसा, ऐसी रेसिपी तैयार करके खाने का मजा ही कुछ और है, और साथ में मेरी बेटी भी खा रही है। अम्मा हाय करता। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी बताइए। हम लोग तो विंटर सीजन में ऐसे ही खाते हैं, इसका धूप में बैठ के खाने का मजा, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ही अलग है। आप, आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोग अलग तरीके से खाते हैं, हम लोग ऐसे ही खाते हैं, हमारे आसाम में ये तरीका बहुत ही फेमस है। देखिए सब कितने अच्छे से खा रहे हैं। तो गाइस, ठंडी का मौसम है, आप लोग भी खाओ, मस्त लगेगा। वाह, मस्त लगेगा, आप लोग भी खाइए, ठंडी का मौसम है। तो मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग का ऑलमोस्ट खाना हो चुका है, ये देखिए ऑलमोस्ट खाना हो चुका है, थोड़ा रह गया है तो हम लोग मतलब अपना किसी किसी को दे देंगे, कई लोगों ने मांगा है बनाते वक्त, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनमें। ऐसी चीज़ें रखते नहीं हैं, क्योंकि सबको लोभ होता है, लोग ये खट्टी चीज़ों का लोभ तो सबको ही होता है, और किसी को ऐसे तरसाना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी का ब्लॉग में यही पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, रेसिपी कैसी लगी आप लोग को बताइएगा, और फ्रेंड्स ब्लॉग पे हाँ, चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन प्रेस करते जाइए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। सभी भले, बाय बाय, कोई बाय बाय बाय।